अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग हो रही है जी हमारा दूध गर्म करने से और मासी की रोटी बनाने से। ऐसे ही है, मासी रोटी बड़ी मोटी बनाई है। क्यों? बहुत ठंडा सी। हाँ, ठंडे आटे की रोटी ऐसे ही बनती है, लेकिन जब भूख लगी हो फिर सारी अच्छी लगती है ना? ऐसे ही है ना? चले जी, मासी की रोटी बनी देखें। लेकिन मैं मासी तुझसे रोटी अच्छी बना देती हूँ। शुक्रिया। चले जी, ये है जी मेरा नाश्ता और ये देखें मज़े वाला, हेल्दी भी और फुल फिट भी रखेगा आप लोग में। इसमें वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जौ का दलिया भी ऐड करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी, मैं नहीं करती। मैं तो ये देखें इतना ज़बरदस्त है, इसमें भी आप ड्राई फ्रूट जितना मर्ज़ी ऐड कर लें एक मुट्ठी के मुताबिक। मेरे पास अभी वो भी नहीं थे, ड्राई फ्रूट भी नहीं थे, तो मेरे पास सिर्फ था जामिश्री, शक्कर, दूध और ये। इसमें अगर बंदा बनाया जाए ना, खजूर भी ऐड की जाए और हनी भी ऐड किया जाए और भी ज़्यादा मज़े का। अब ये देखें, मुझे तकरीबन 4-5 घंटे मुझे भूख नहीं लगेगी। अब इसको करूँगी गिलास में ऐड और मज़े मज़े से पीऊँगी। आप लोग भी लाजमी बना के पिए। गाइस, कभी सुना था कि बच्चों के भी बाल उतरते हैं? ये देखो हानिया के भी, हानिया के भी इतने आज बाल उतरे हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी मैंने इसके ऑयल लगाया, कभी भी इसके बाल नहीं थे उतरे। पता नहीं इस बार कौन सा ऐसा मौसम आया है गंदा सा कि बच्चों के भी बाल उतर रहे हैं। इतने बाल उतरे, मैं खुद हैरान हूँ। अभी इतना ऑयल मैंने लगाया इसके बालों को, उसमें मैंने ऐड किया विटामिन ई के कैप्सूल भी ऐड किए, लेकिन फिर भी ये देखें कुछ मैं रखा ही शॉपर में डाला ही तो कुछ ये है इतने ज़्यादा, ताकि मैं बाल नीचे नहीं फेंकती। इनको मैं इकट्ठा करूँगी फिर एक शॉपर में डाल देती हूँ मैं बाल ना, ताकि गुनाह होता है बाल फेंकना। ये देखिए कितना कस कस के मैंने इसके ऑयल लगाया। अब इसके सर में कंघी करूँगी तो फिर उसके बाद इसकी चुटिया बना दूँगी। शक्ल पे देखो कैसे 12 बजे हुए हैं। गाइस, ये मैं बना के लाई हूँ चाय। और आप लोग, ये नेल पॉलिश नहीं है मेरी, ये हानिया ने अर्क लगाया लेकिन अर्क ऐसे ख़राब निकल गया, इस वजह से ऐसे नाखून हो गए हैं मेरे। जब तक ये उतरेगा नहीं तो ये ऐसे ही लगेंगे गंदे से। तो ये है जी मेरा चाय का कप, मेरा स्पून, उन लोगों के लिए जो मुझ पर भोंकते हैं उनको मैंने उठा के ऐसे साइड पर कर दिया। ठीक हो गया ना? आप लोग भी जो होते ना आपकी ज़िंदगी के, जिन्होंने अजाब बनाया हुआ, उनको उठा कर एक साइड पे रख दें, लटका दें उनको, जैसे ये चाय की मलाई मैंने लटकाई है ना, ऐसे उनको लटका दें ना, उनको भी ना उतरने दें, ऐसे लटके रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया ना? चले, ये है माशाल्लाह से सारे हानिया के कपड़े। अभी 10 सूट हानिया के वाश होकर आए हैं, तो लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, इसको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट अभी कुछ मैंने ये नीचे तह लगा के रख दी, ये वाले सारे तह लगे पड़े हैं हानिया के कपड़े। अब मैं इसको देती हूँ कोई, ये वाले देती हूँ इसको ताकि सॉफ्ट सा है लॉन का, ये ठीक रहेगा इसके लिए। ये हैं जी ग्रेप्स, ये मेरी बेटी को इतने पसंद है हानिया को, हानिया की जान है इसमें। लेकिन पता नहीं शायद इनका कोई सीज़न नहीं है, लेकिन ये बहुत महंगे मिले हैं, ये तकरीबन 500 कितने मिले हैं, 500 के सिर्फ इतने से मिले हैं, ताकि हानी सिर्फ 2 टाइम ये खा सकेगी। तो और फ्रूट नहीं खाती, कह रही मम्मा डॉक्टर ने बोला कि हानिया को ना फ्रूट खिलाया करें, जितना हो सके बच्चे को आपने ना फ्रूट खिलाना। तो फ्रूट बच्ची को क्या पसंद है जी? अंगूर। तो फिर मैं अभी आते हुए लेके आई थी तो मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने 500 के सिर्फ इतने से दिए। आपके इलाके में इनकी क्या प्राइस है मुझे ज़रूर बताइए। चलो जी गाइस, ये मैंने रेडी करके रख दिया सारा सामान डाल के, सुबह तक इसकी शक्ल भी अच्छी हो जाएगी, ये फूल भी जाएगा
और ये थोड़ी सी वो एक नीचे गिर गया। चलिए ग्रेप्स भी मैंने डाल दिए, तो ये देखिए इसको मैंने ऐसे फ्रिज में रख दिया, मुझे तो बहुत मज़े का लग गया। चले जी गाइस, ये बैठी है मेरी अम्मी जान। अम्मी मुझे आज दोबारा लेने आई है, कह रही है कि चलो हमारे घर, तो लेकिन मैं नहीं जा रही। अम्मी इस बात पे नाराज़ होकर बैठी है, कह रही कि मेरे साथ तुम हर हाल में घर चलो। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी की बात मान के अपना घर छोड़ देना चाहिए या नहीं। मेरा दिल तो नहीं करता अपना घर छोड़ने को, ताकि जब मैंने घर छोड़ा या तो उसने घर सेल कर देना या किसी और ने आकर यहाँ पर बैठ जाना। मेरा नहीं दिल करता कि मैं अपनी जगह छोड़ूँ, लेकिन अम्मी कह रही है कि हम ये रोज़ गोलियाँ खाती है, सिसक सिसक के मर रही है। हाँ वैसे जो इज्जत है ना दूसरा इज्जतदार लोगों की करनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी कि ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करनी चाहिए जो बिला वजह, उसे सोचना चाहिए कि अनमैरिड तुम्हारी बच्ची है, तुम किसी और को दे दो। हुकूमत ने फैसला किया, सलाम आ गया जी अब तो सलाम आ, जो इस्लाम के नाम पे लोग ब्लैकमेल करते हैं। खैर मैंने आज वो दरवाज़ा अदालत का आज मैंने खड़का दिया, तो कल इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे दिल करता है कि पहले मैं अदालत में ना जाऊँ, मेरा दिल करता है कि मैं दूसरा ना अदालत से पहले मुझे थाने में जाना चाहिए, अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर डिवोर्स भी तो फिर औरतों की होती है ना, ये कौन सा दुनिया की, मैं कोई पहली औरत नहीं हूँ जिसको होगी तो। लेकिन ये है कि अगले बंदे को भी तो सबक सिखाना चाहिए कि नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी किया लेकिन मुझे उसका बदला ना बहुत ही गंदा मिला, बहुत किया, सारा कुछ ही किया, लेकिन ये है कि एंड में आके ना मुझे बदला इतना गंदा मिला, इतना गंदा मिला कि वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। खैर वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, लेकिन कल मैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कल मैं आपको अपनी थाने की वीडियो और जो भी नोटिस है वो मैं आप लोगों के साथ कल, उम्मीद तो बहुत है, मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जी गाइज़ इसके साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कल सुबह लाजमी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई हिम्मत और जज्बे के साथ। अल्लाह करे कल का दिन इतना अच्छा हो जाए कि मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं और मुझे बहुत मजबूर हो के आज मुझे अदालत जाना पड़ा। औरत दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है कि औरत को ना अदालत में जाना, ठीक हो गया ना, बहुत टफ़ काम होता है उसके लिए जाना। अजीब तरह के लोग उसको भी देखते हैं, पता नहीं ये किस केस में आई है, और ख़ुद भी ना बंदा अजीब जे, मुझे तो मैंने तो नज़रें नहीं उठाई, मुझे तो इस तरह की है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल, लेकिन क्या करती जाना पड़ा। तो जो भी होगा खैर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी क्या सूरत हाल है, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह मेरे लिए हक में दुआ करें, मेरी सारी मुसीबतें हल हो जाएं, तो अल्लाह ताला आप लोगों को भी मुसीबतें हल करें, और जो तीन चार भौंकने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी थोड़ी सी अक्ल और शुरूर दे और अपनी ज़बान बंद कर ले। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।